प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने रोहित विमला के पत्र का उत्तर लिखा है। जय भीम साथी रोहित, भरोसा है सितारों के बीच खुश होगे। 4 साल हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम सितारों की सैर का वादा कर गए, तब से हर सितारे में नजर आते हो। 4 साल से तुम्हारी एक ही तस्वीर देख रहा हूं, नई तस्वीर नहीं देखी। तुम सितारों के बीच खुश होगे, लेकिन हम तुम्हें आज अपने बीच देखना चाहते हैं। भीतर तो तुम हो ही, काश बाहर भी होते तो आज बड़ी तिश्नगी से वो लड़ाई लड़ रहे होते जो देश लड़ रहा है। बहुत कुछ बदल गया दोस्त, आज तुमको याद करते हुए देश लड़ने की अपनी फितरत हासिल कर लिया है। जो एक चीज नहीं बदली तो वो है जालिम। आज भी हंस रहा है जालिम। पता है रोहित, इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया। आज के संघर्षों को तुम देखते तो खिलखिलाकर खुश होते, क्योंकि आज देश की हर सड़क पर हो रहे संघर्ष का नायक अंबेडकर है। आज देश भर के स्टूडेंट एसोसिएशन अंबेडकर के बिना कुछ नहीं करते। ध्यान देना, स्टूडेंट बोला है, लुम्पेक नहीं। रोहित, लेकिन एक दुख है यार, तुम जिन्हें रोक रहे थे उन्हें हम आज तक नहीं रोक पाए हैं। वे बेखौफ हमला किए जा रहे हैं, वे सब कुछ रौंद देना चाहते हैं। इसलिए तुम पर गुस्सा आता है कि ऐसे क्यों चले गए तुम, होते तो मिलकर लड़ते ना। ऐसे नहीं जाना था दोस्त, ये शिकायत हर साल करता रहूंगा। मेरे यार रोहित, हम कभी मिल नहीं पाए, लेकिन पिछले 4 सालों में अगर किसी से हर रोज मिला तो वो तुम हो, क्योंकि तुम में जो बात दिखी वो कहीं और नहीं दिखी। एक ईमानदारी थी तुम में, वैचारिक भी और जहनी भी। अगर तुम होते तो तुमको अब तक कई बार डीयू बुला चुका होता। हमने तुम्हारे नाम पर नारे लगाए हैं कि तुम जिंदा हो हमारे अरमानों में। पता है आज तुम्हारे नाम पर कार्यक्रम हो रहे हैं, तुम होते तो भाषण देते, टूटी फूटी हिंदी बोलते, ताकि हमारे टूटे जख्म भर जाते। तुम्हारी याद इसलिए आती है कि पढ़ने के नाम पर तुमने कुछ फेसबुक पोस्ट ही छोड़ रखी है, और छोड़ा तो एक खत, एक लेटर। यार तुमने अपने आखिरी पत्र में लिखा है कि कोई रोए ना। हर बार हर साल इसी बात से रुलाते हो तुम। मेरी मां नहीं जानती है तुम्हारे बारे में, लेकिन उसे हमेशा मुझे लेकर डर बना रहता है। लेकिन जब तुम्हारी मां को रोते हुए भी लड़ते और हर जगह खड़े देखता हूं, तो उसमें मेरी मां नजर आती है। कितना कुछ सहना पड़ा है इन माओं को, लेकिन आज जब देश के तमाम शाहीन बागों में लड़ती हुई माएं दिखती हैं, तो ऐसा लगता है कि तुम इन सारी माओं में जिंदा हो दोस्त। ऐसे ही जिंदा रहना, ऐसे ही जिंदा रहना होगा तुम्हें, जब तक कि हम तुम्हें और तुम जैसे अनगिनत अनाम शहादत दे चुके लोगों के ख्वाब की दुनिया न रच ले। जिंदा रहना यूं ही रोहित। पता है तुम जिन ताकतों से लड़ रहे थे ना, वह आज बेइंतहाई जालिम हो चुकी है। अब लड़ाई आर या पार की है। तुम होते साथ तो लड़ने में कितना जोश होता। फिर से कह रहा हूं, तुम हो हमारे हर इनकलाबी कदम में, तुम हो। बहुत कुछ बदला है, लेकिन काफी कुछ बदलना बाकी है।
अभी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी दोस्त। हमारे दुश्मन बहुत होते जा रहे हैं। कई बार बहुत कमजोर महसूस करने लगता हूं खुद को, कई बार अकेला पाता हूं खुद को। लेकिन जब ऐसा महसूस करता हूं, तब तुम भीतर से हिम्मत देते हो ऐसे ही साथ रहना। तुम सितारों में रहते हुए, भी हमें ऐसे ही रोशनी देते रहना दोस्त। तुम रोशन हो। जय भीम दोस्त, साथी, यार, रोहित।